हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस लॉजी। इंडियन एयरफोर्स को मार्च के अंत तक 5 एफओसी स्टैंडर्ड के तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाएंगे। एचएल के चेयरमैन श्री आर माधवन ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले इंडियन एयरफोर्स को 5 एफओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कर दी जाएगी। इस डिलीवरी के बाद इंडियन एयरफोर्स के टोटल इस ईयर में 7 एफओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। एचएल की सेकंड प्रोडक्शन लाइन इस साल स्टार्ट हो सकती है। इस सेकंड प्रोडक्शन लाइन से टोटल 8 एफओसी स्टैंडर्ड के ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एचएल चेयरमैन श्री आर माधवन ने यह भी क्लियर किया कि जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN20 इंजन की डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के पार्ट को हटा दिया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक से 123 F404 इंजन की डील की गई थी, जिसमें 83 तेजस MK1A के इंजन भी शामिल हैं। HL के साथ जनरल इलेक्ट्रिक की F404 इंजन की डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया था, पर प्राइस नेगोशिएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के पार्ट से अपने इंटरेस्ट को हटा दिया। इस पार्ट के हटने से कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में भी रिड्यूस हुआ है और इस चीज़ का असर तेजस MK1A एयरक्राफ्ट के प्राइस में भी देखने को मिला है। DRDO प्रेजेंट में इंजन कॉम्प्लेक्स को सेटअप करने पर काम कर रही है। इस इंजन कॉम्प्लेक्स में HL के साथ पार्टनरशिप वाले जेट इंजन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ना कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजन को। अभी HL ने पार्टनर्स को नहीं चुना है। DRDO के इंजन कॉम्प्लेक्स का प्रोग्राम इंडियन एयरक्राफ्ट के फॉरेन इंजन पर निर्भरता इसे दूर किया जा सकेगा। इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से अपना इंटरेस्ट ना शो करना एक तरह से सही भी है, क्योंकि TOT में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वैसे भी नहीं मिल रहा था। TOT पार्ट के हटने से तेजस MK1A के प्राइस में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। HL के बारे में पहले कहा जा रहा था कि CCP बारिश के कारण HL इस साल तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी नहीं कर सकेगा, पर HL चीफ के दिए गए इंटरव्यू के अनुसार HL मार्च के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को 5 FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कर देगा। इसका मतलब इस साल टोटल 7 एयरक्राफ्ट HL इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देगा। यह चीज़ HL के लिए पॉजिटिव में ली जा सकती है और HL पर अदर प्रोजेक्ट्स पर भरोसा कर सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को HL टाइमलाइन के हिसाब से कंप्लीट कर देगा। HL को बस अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने पर काम करना है। इस चीज़ पर भी HL काम कर रही है, पर HL को इस पर तेज़ी से काम करना होगा। DRDO जो इंजन कॉम्प्लेक्स बना रही है उसमें किस पार्टनर को चुना जाएगा, सैफरन या रोल्स रॉयस, ये देखना दिलचस्प होगा। जो इंजन इस कॉम्प्लेक्स में बनाए जाएंगे उनको MCA में लगाया जाएगा। ये इंजन कॉम्प्लेक्स हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।